दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था पहले पार्ट में, हमने इसकी क्रैंक को असेंबल किया था, क्लच को असेंबल किया था और इसके साथ साथ हमने गियर के बारे में सब कुछ समझाया था। अब हमारा ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम समझाएंगे इसके हेड को कैसे फिट करते हैं, हेड अलग ही फिट होगा, और इसके सिलेंडर को फिट कैसे करते हैं, पिस्टन को कैसे असेंबल करते हैं, और टाइमिंग को कैसे मिलाते हैं, और टाइमिंग चेन को किस तरीके से बैठाया जाता है इसके अंदर, टाइमिंग चेन को किस लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको। अगर अच्छी लगे तो यकीनन इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करते हो वीडियो को तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा हौसला बढ़ जाता है, मेरी उम्मीद बढ़ जाती है कि मैं आगे भी इस वीडियो को जारी रखूँ और बनाते रहूँ और आपका प्यार हमेशा मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। दोस्तों, हम इसके अंदर पिस्टन असेंबल करेंगे, और ये है हमारा पिस्टन जैसा कि आपको दिख रहा है। और दोस्तों, अब हम इसके जो पिस्टन के अंदर जो रिंगें लगती हैं वो दिखाएंगे आपको, और इस रिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो हम जब पिस्टन फिट करते हैं तो पिस्टन को फिट करते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें। पहला, ये ऑयल रिंग आप जो देख रहे हो, ये ऑयल रिंग होती हैं, ये बहुत पतली होती हैं, सिम टाइप की होती हैं, ये फ्लेक्सिबल बहुत होती हैं। तो हमें क्या करना है, पिस्टन की रिंग को बिठाने से पहले इस रिंग को अपने सिलेंडर के अंदर लगा के देखना है और इसका गैप चेक करना है। ये हम पिस्टन को लगाएंगे और उसका गैप चेक करेंगे। हमारा जो गैप है वो एक सेविंग ब्लेड के जितना होना चाहिए। गैप सेविंग ब्लेड जितना रहेगा तो गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है, जो धुएँ की लाइफ है, वो सही रहेगी। आपको सिर्फ दो ही रिंग का गैप चेक करना है, एक जो ऑयल रिंग है वो, और दूसरा अपना टॉप वन टॉप टू, बस। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, रिंग को इंस्टॉल करेंगे पिस्टन के अंदर। ये हमारी रिंकल रिंग है। जब हम पिस्टन के अंदर इसको लगा दें तो पिस्टन सीधा करने पर जब हम इसको देखें पिस्टन को, तो हमें इसका जो आकार है वो एम दिखाई देना चाहिए, एम। हालांकि कंपनी डब्लू बना के देती होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना खुद का इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं जब एम लगा के देखता हूँ तो मुझे अच्छी जो है परफॉर्मेंस मिलती है, और मुझे इस लाइन में बहुत टाइम हो गया, मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो मैं यही सोचूंगा कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है वो मेरे जो काम है उसको फॉलो करें। बाकी आपको जैसा सही लगता है वो आप इस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके अंदर एम बनाएंगे। हमने रिंकल रिंग इसमें लगा दी है। जब आप रिंग को लगाओ तो बहुत ही ईजिली लग जाती है रिंग, टेढ़ा टाढ़ा ना करें उसे। और इसको रिंग को जब लगाओ तो क्रॉस बाई क्रॉस करो, जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ आपको। मैंने एक हिस्सा उधर रखा तो दूसरे का हिस्सा इधर रखना है, और जो आप पॉइंट देख रहे हो पिस्टन के, तो छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट, उनकी तरफ कोई सा भी लेफ्ट या राइट कहीं भी इसको एम बना के छोड़ सकते हो आप। अब ये टॉप टू वाली रिंग है, इस टॉप टू को रिंग को सीधा कैसा करना है आपको, टॉप टू का रिंग को जब आप लगाओगे ब्लैक वाली रिंग को, तो उसके ऊपर दिखाई देना चाहिए नंबर टॉप टू, छुपना नहीं चाहिए वो। अब हम लगाएंगे टॉप वन। अब पिस्टन में रिंग किस तरीके से लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं आप मेरे चैनल में, सिर्फ और सिर्फ मैंने वीडियो पिस्टन की रिंग को बिठाने के लिए ही बनाई गई है। अब हमारा ये पिस्टन बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है। अब हम इसमें लॉक लगाएंगे, और लॉक लगाने के बाद सिलेंडर में पैकिंग लगा के फिट कर देंगे इसको। और किस तरीके से फिट किया जाता है ये भी हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। ये हमारी पैकिंग है, इस पर बॉन्ड लगाना है, और दोस्तों जो बॉन्ड यूज़ करोगे बहुत ही बारीक बॉन्ड होना चाहिए, बहुत ही कम। अगर बहुत ज़्यादा बॉन्ड लगाओगे आप तो उससे पैकिंग, जब हम गाड़ी को फिट करते हैं तो पैकिंग से जो एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है वो इंजन के अंदर चले जाता है, और वो बॉन्ड इंजन के ऑयल में घुल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत कम बॉन्ड लगाना है और अपनी गाड़ी के इंजन को अच्छे से फिट करना है। अब हम इसके अंदर रिंग लगाएंगे। एक रिंग होती है ऑयल रिंग जैसे कहते हैं, छोटी सी रिंग होती है चोको टाइप की, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रिंग है। इस रिंग को हमें हल्का सा बॉन्ड लगाकर यहाँ इस वाले हॉल में लगा देना है, जो एग्जॉस्ट वाल का काम करती है, वीएस वाल जैसे बोला जाता है। अब हम इसकी गजन पिन लेंगे, इसको पिस्टन की पिन बोलते हैं और गजन पिन भी बोला जाता है इसको। ये हम एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट के अंदर थोड़ी सी डिप करेंगे और इसकी क्रैंक के अंदर इसको लगाएंगे। दोस्तों,
अगर आप इंजन फिट कर रहे हो तो आपको ऑयल ट्रीटमेंट जरूर यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, इंजन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। अब हम इसके अंदर इसको लगाएंगे, हमने इस पिस्टन को इसमें इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसका लॉक लगाएंगे, पिस्टन का जो लॉक होता है, मैं आपको दिखा दूंगा मैंने पिस्टन का कौन सा हिस्सा किधर रखा है, कौन सा हिस्सा किधर नहीं रखा है। अभी मैं इसका पिस्टन का लॉक लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा पिस्टन का लॉक है, हम इसके अंदर लगा देंगे इसको पिन पेचकस से, इसको हम लगा देंगे और आपको दिखाएंगे। जब आप लॉक लगाओ तो आपको पिस्टन के ठीक नीचे कपड़ा लगा देना है, ताकि अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि लॉक अगर ना लगे और वो छूट के गिर जाए तो अंदर इंजन में ना जाए। ये लॉक लग चुका है हमारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पिस्टन का कौन सा हिस्सा किधर रखा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पिस्टन के ऊपर ऑयल लगा दूंगा और सिलेंडर बिठा दूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं कौन सा हिस्सा पिस्टन का किस साइड रखा है मैंने, जो इजीली पिस्टन को आप समझ सकते हो। इसे लगाने से ये होगा कि आपका जो सिलेंडर है और पिस्टन है वो आराम से इस तरीके से इसमें बैठ जाएगा और एकदम स्मूथ, उसमें एकदम स्मूथ रहेगा इंजन। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल, हम इंजन में डालते हैं, हम पिस्टन में तो डालेंगे नहीं, तो हमसे क्या होता है हमारा इंजन ऑयल प्रॉपर ऊपर जाता नहीं। उससे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और अब हम इसका सिलेंडर फिट कर देंगे। हमने सिलेंडर इसका फंसा दिया है, अब पिस्टन डाउन हो चुका है। अब इसको आराम से हम इसके अंदर लगा देंगे, बहुत इजीली चले जाता है अगर आप इसमें ऑयल लगा के कर रहे हो तो, ऑयल हो या फिर ऑयल ट्रीटमेंट हो, मतलब कुछ भी हो स्मूथ टाइप का हो। अब देखिए हम पिस्टन को दिखाते हैं, ये जो आप पिस्टन देख रहे हो इसमें इन दिख रहा होगा, इन, ये इन वाला हिस्सा कार्बोरेटर की तरफ है और ई एक्स वाला हिस्सा साइलेंसर की तरफ है। इन वाला मतलब इनलेट, इनलेट वाल्व की तरफ हमेशा पिस्टन रहेगा, ठीक है। और ई एक्स मतलब एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब साइलेंसर आउटपुट उसका, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसका बिग रोलर जिसे कहते हैं टाइम इंजन का, वो लगाना है। अब हम इसके टाइम इंजन लेंगे और टाइम इंजन को हम इसके अंदर लगाएंगे। मैंने इसमें टाइम इंजन फंसा दी है, मैं इसकी टाइमिंग को भी बताऊंगा आपको कि टाइमिंग किस तरीके से चेक करते हैं हम और किस तरीके से टाइमिंग को सेट करना चाहिए, और जब टाइम इंजन डाले तो किस तरीके से टाइमिंग को हमें देखना है कि वो सही है या गलत है। अब हम इसका रोलर बोल्ड लेंगे और इसकी वार्सल चेक करेंगे, अगर वार्सल वो ख़राब है तो नहीं डाल देंगे, नहीं तो वही रहने देंगे। वार्सल से लीकेज की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है, खासकर आपको वार्सल का ध्यान देना है। रोलर को जब फिट करो तो रोलर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो उसकी क्यों है कैपेसिटी सही रहेगी, उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस रहेगी, झंझनाहट नहीं होगी। अब हम छोटा वाला रोलर लेंगे टाइम इंजन का, ये लगा देंगे। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, ना ही जो मैंने दूसरा रोलर लगाया उसमें होता है। अब हम हेड की पैकिंग लेंगे लोहे की और इसको फिट कर देंगे। हालांकि BS6 मॉडल है, BS4 मॉडल है, इसमें लोहे की पैकिंग लगती है। पिन डाउल लेंगे, दो पिन डाउल लगती है, एक ऊपर और एक नीचे, क्रॉस बाय क्रॉस पिन डाउल इसमें लगा देंगे और उसके बाद इसमें टाइम इंजन स्पॉकेट लगाया जाएगा। कुछ भी आपको अगर समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको हर एक बात, हर एक आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा। बस आप इस वीडियो को प्यार जरूर दें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक से एक छोटी से छोटी जानकारी दे सकूँ। ये देखो ये ऑयल रिंग है, ये इसमें लगानी है हमारे को हेड के ऊपर, और एक छोटी सी लोहे की रिंग है, ये सपोर्ट के लिए होती है, सपोर्टिव रिंग, ये हमें यहाँ लगा दी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पिस्टन को टॉप पे रख के सबसे पहले हम इसके अंदर छोटी सी रिंग लगा देते हैं, टाइमिंग प्लेट, स्टार्टर प्लेट जिसे हम कहते हैं। ये रिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंजन बांध रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है लगाने के लिए, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। लीकेज का खासकर ध्यान देने के लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। ये जब आप गाड़ी के फुल किट खरीदोगे तो उसमें रिंग आती है, और ये रिंग भी उसी में आती है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, इसको जैसे मर्जी आप लगा सकते हो रिंग को। इस रिंग को लगाने के बाद इसमें बॉन्ड लगाना है, ये बॉन्ड हमने लगा दिया है।
थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। अब हम इसको इसके अंदर लगा देंगे। जब इसके अंदर हम लगाएंगे इसको तो हल्का सा टाइट हो जाता है रिंग के चक्कर में, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर प्लास्टिक हैमर यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना है और बराबर बराबर लेना है, और पेज को दोनों को बराबर टाइट करना है, एक पेज को एक साथ नहीं टाइट करना है। अगर आप हल्का सा नीचे का पेज टाइट कर रहे हो तो ऊपर का भी उतना ही टाइट करो, बराबर बराबर टाइट करना है ताकि लीकेज की समस्या आपकी बिल्कुल ना रहे। दोस्तों अब हम इसका पॉकेट लगाएंगे, टाइमिंग चेन पॉकेट। ये आप पॉइंट जो देख रहे हो ये सामने की तरफ रहना चाहिए, जैसे कि आपको अभी दिखेगा लगाते टाइम, ये देखो इस तरीके से ये होना चाहिए। जब ये सामने पॉइंट हो तो उस टाइम पिस्टन जो है टॉप पे होना चाहिए, पिस्टन टॉप पर, टॉप डेड सेंटर। हम हेड लगाएंगे। अब हेड फिट करने की वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ मेरे को हेड की वीडियो चाहिए, तो मैं 3-4 गाड़ियों के हेड की वीडियो इकट्ठी बना दूंगा और डिटेल में बनाऊंगा। ये कैप हमारी हेड कैप, अब इसको फिट करेंगे। एग्जॉस्ट का निशान जो देख रहे हो आप एरो का, ये नीचे की तरफ रहेगा जहाँ साइलेंसर होता है। अब इसको फटाफट से फिट करेंगे। सो लास्ट काम टाइमिंग का रह गया है, मैं इसके टाइमिंग का आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है, और वीडियो को एंड करता हूँ। ये 4 वार्सल है, इससे एक वार्सल अलग होती है, बाकी 3 सेम होती हैं। जो एक वार्सल ये देख रहे हो मेरे हाथ में, ये वहाँ लगे उस स्टेट में लगेगी जिस स्टेट से ऑयल बाहर आता है, और ऑयल उस स्टेट से बाहर आता है जहाँ पर जब गाड़ी का सिलेंडर फिट कर देते तो नीचे छोटा सा छेद था ऑयल आने का, उसी स्टेट से ऑयल आता है। ये डॉट रबड़ है, इसे डॉट रबड़ बोलते हैं। हम इजीली इसको लगा देंगे, इसमें कोई चूड़ी नहीं होती, इसको ऐसे ही अंदर की तरफ इन कर देंगे, हो जाएगी ये। ये सील है हमारी, इस सील को लगाते समय ध्यान देना आपको ज़्यादा अंदर सील ना जाए, अगर ज़्यादा अंदर सील जलेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा, सील दो ख़राब हो जाएगी, लीकेज की समस्या बढ़ जाएगी। ये बराबर रहे सील। अभी हमारी 1 वे गियर की है स्प्रिंग, वो 1 वे गियर की करारी है, इसमें सील लगाएंगे और उसको फिट कर देंगे। इसमें कोई तालमेल नहीं होता, जैसे मर्जी इसको फिट कर सकते हो। अब इसका मैग्नेट लगाएंगे लास्ट मोमेंट। ये गरारी की स्टॉपर पत्ती लगाएंगे, ये स्टॉपर पत्ती है ताकि गरारी जो है मूव ना हो, बाहर ना आए वो गरारी। अब हम इसको मैग्नेट को लगा देंगे इसके अंदर। इस मैग्नेट को लगाने से पहले आपको सेल्फ के 1 वे के रोलर देखने हैं, सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वर्क मतलब कोई भी स्प्रिंग अंदर दबी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सेल्फ मारने पर घर घर आवाज आएगी, सेल्फ काम नहीं करेगा। मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ इजीली। अभी कैमरे को थोड़ा सा इधर करता हूँ, पहले इसका मैग्नेट का बोल्ट टाइट कर लूँ। ये सेल्फ यू मोटर है हमारा, इसको फंसा देंगे, इसमें लॉक लगाना चाहिए जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये हमारे गाइड है, सेल्फ चैन गाइड जैसे कहते हैं। एक सेल्फ चैन गाइड बड़ा है, एक सेल्फ चैन गाइड छोटा है। सेल्फ की चेन चैम्बर में टच ना हो इसीलिए लगाया जाता है। और आवाज में और ज्यादा स्मूथनेस आ जाए। ये हमारा मैग्नेट लग चुका है, सेल्फ चेन गाइड लग चुका है और सेल्फ लग चुका है। इसकी बार सेल होती है, टेम्पर वाला हिस्सा डाउन रहेगा। 14 नंबर का बोल्ट होता है, नट होता है ये। 14 की कोटी लेंगे और जिधर नट टाइट होते हैं उधर नट टाइट करेंगे। इस पूरे इंजन में ऐसा कोई नट नहीं है जो उल्टी साइड चूड़ी जो है खुलती है उसकी। अब ये 8 नंबर के टाइमिंग बोल्ट हैं, इसको टाइट करेंगे हम। ये बहुत ध्यान से टाइट करना है, गन से टाइट नहीं करना है, हाथ से करना है। गन अगर आपके पास है तो उसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि गन से टूट जाएंगे बोल्ट, ये बहुत नाजुक बोल्ट होते हैं।
अब इस बोल्ट को फटाफट से टाइट कर देते हैं। बोल्ट टाइट कर दिया। अब चैम्बर की पिन डाउल लगाएंगे, जो मैग्नेट की चैम्बर की पिन डाउल है, ये पिन डाउल आपको बहुत ज़रूरी होता है लगाना। ये पिन डाउल हम लगाएंगे और अब ये पुश रॉड की स्प्रिंग, ये जो है पारी रबड़ लगाएंगे और एक स्प्रिंग लगाएंगे। पैकिंग लगानी है, पैकिंग में बोन्ड बहुत माइनर लगाना है, या अगर आप नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले हिस्से में बोन्ड नहीं भी यूज़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लीकेज की समस्या नहीं होती है। फटाफट से मैग्नेट कवर लगाएंगे इसका। मैग्नेट कवर लगाने पर ध्यान दें अंदर कुछ भी सामान ना पड़ा हो इसके। कभी कभी क्या होता है, इसकी पिकअप कोयल में सामान चिपक जाता है, कुछ नट बोल्ट वार्सल चिपक जाते हैं, जिस चक्कर में हम ध्यान से निकल जाता है हमारे, और जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो खरपट खरपट आवाज़ आ जाती है। इसके सारे नट बोल्ट फटाफट से इसको फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हमने सब कुछ कर दिया इसके अंदर, और अब इसके अंदर हम पुश रॉड की स्प्रिंग और वो लगाएंगे, बोल्ट लगाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि पुश रॉड जो है अंदर प्यार से चले जाए एकदम स्मूथ। ये स्प्रिंग है, रबड़ वाला हिस्सा नीचे रहेगा और स्प्रिंग का जो खिंचा हुआ हिस्सा है वो ऊपर रहेगा। अब दोस्तों हम इसकी टाइमिंग दिखाते हैं। जब आप देख रहे हो इसके पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट यही होना चाहिए इसका पिस्टन टॉप होने पर। जब पिस्टन टॉप पर आए तो ये आप पॉइंट को यहाँ रखना, और टैपेट की बात करें तो एग्जॉस्ट वाल को आपको 0.5 mm पर रखना है और इनलेट को आपको 0.7 पर रखना है, जब गाड़ी BS4 अगर इंजन फिट कर रहे हो तो। और अगर ओल्ड मॉडल फिट कर रहे हो तो आप 0.5 mm दोनों वाल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोगों को नॉलेज मिले। अगर इस वीडियो को नॉलेज आप और लोगों को मिलेगी तो उसको बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं आगे भी। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।